तो कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो है हमारा क्लास सिक्स के लिए, क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और यह है वीडियो नंबर टू। सेकेंड नंबर वीडियो है, इसके पहले भी हमने एक वीडियो किया है इस चैप्टर के ऊपर, जहां पर हमने इस टॉपिक तक देखा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट में आपको क्लासिक चैप्टर नंबर नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि आप जाकर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर वीडियो, या फिर इस वीडियो के बाद जितने भी हम वीडियोस बनाएंगे उन सभी को भी। तो देखिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये केवल क्लासिक्स के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि देखिए, आजकल क्वेश्चन जो है वो आपको 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी से भी पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आगे का टॉपिक। और देखिए, यहाँ तक हमने देखा था, उसमें हमने चांद तारों की बात की थी, प्लैनेट्स का डेफिनेशन, सेलेस्टियल्स का डेफिनेशन और भी चीज़ें की थी। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम्स की, यानी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द सोलर सिस्टम। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, सोलर सिस्टम में हमारा आता है, हमारा सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, सेटेलाइट्स आते हैं, यानी कि प्लैनेट्स के जो सेटेलाइट्स हैं, नेचुरल सेटेलाइट्स, वो सभी आते हैं। उसके अलावा दूसरे सेलेस्टियल्स बॉडीज आते हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स या फिर मेट्रॉइड्स, जिन्हें कि हम कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस पेज पर आपको दिया गया है एक इमेज, जिसमें कि आपको आपका जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम के को दिखाया गया है। और इस सोलर सिस्टम में आपको बहुत सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स के बारे में बताया गया, जैसे कि अर्थ है, वेनस है, मरकरी है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, इन सभी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर नीचे आपको जानकारी दी गई कि ये प्लैनेट्स ये अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लगाते हैं, सन के अराउंड घूमने में कितना समय लगाते हैं, इस तरह की जानकारी आपको दी गई है। तो आप अगर इस जानकारी को चाहते हैं, या फिर आपके लिए अगर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट बुक की, और उसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उन सभी टेक्स्ट को अब हम पढ़ते हैं। फॉर्म द सोलर सिस्टम, ये उसी टेक्स्ट को कंटिन्यू किया गया है जो कि शुरू में हमने दो लाइन का टेक्स्ट देखा था। फॉर्म द सोलर सिस्टम, वी कॉल इट अ सोलर फैमिली, यानी जो हमारा जो सन है, प्लैनेट्स है, या फिर सेलेस्टियल बॉडीज दूसरे हैं, जैसे कि मेट्रोइड्स या फिर एस्टेरॉइड्स, उन सभी को मिलाकर हम सोलर फैमिली कहते हैं, और जिसका हेड एक तरह से हम कह सकते हैं कि सन है। तो आइए हम सन के साथ शुरुआत करते हैं और इन सभी प्लैनेट्स और सन सेलेस्टियल बॉडीज को देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं सन। तो देखिए, सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, यानी जो सोलर सिस्टम है में जो हेड है हमारा सन, वो हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लोहा है, तांबा है, चांदी है, इस तरह की चीजें नहीं है, वो गैस से मिलकर बना हुआ है। ये हमें एक तरह का पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कराता है, जो कि ये सोलर सिस्टम को बांध कर रखता है। यानी आप जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, तो उस तरह से घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो पुलिंग फोर्स चाहिए, वो हमें हमारा सन प्रोवाइड कराता है। तो सन हमारे सारे प्लैनेट्स को एक दूसरे से बांध कर रखता है, इस पूरे सोलर सिस्टम में बांध कर रखता है। और सन जो है हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, यानी जितने भी हमारा प्लैनेट्स हैं, उसके सभी प्लैनेट्स के मून्स हैं, वो सभी एनर्जी, यानी कि हीट के फॉर्म में एनर्जी या फिर लाइट के फॉर्म में एनर्जी, हमारे सूरज से पाते हैं, यानी सन से लेते हैं। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बिकॉज डिस्पाइट बींग आवर नियरेस्ट स्टार। तो देखिए, जो सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, बहुत ही नज़दीक है दूसरे तारों के मुकाबले में, यानी दूसरे स्टार्स के मुकाबले में, लेकिन इतना जो ट्रिमेंडस हीट है उसका, सन का, वो हमें ज़्यादा फील नहीं होता है, ज़्यादा हमें लगता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, जो सन है वो हमारे अर्थ से करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर करीब हो गया आपका 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो देखिए, ये बात हो गई सन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और सन के बाद अब हम प्लैनेट्स को देखते हैं। प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स देखिए, 8 प्लैनेट्स हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ऑर्डर के डिस्टेंस के अनुसार उनके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमारा सन है, सन के सबसे नज़दीक है हमारा मर्क्यूरी, उसके बाद है वेनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सन के सबसे करीब प्लेनेट कौन सा है, तो वहां पर आप लिखेंगे मरकरी है। मरकरी सबसे नजदीक है, हमारा जो अर्थ है वो थर्ड नंबर पर है और सेकेंड नंबर पर है वेनस, और सबसे दूर जो प्लेनेट है वो है नेपच्यून। इसके अलावा आप इस सीरीज को भी याद कर सकते हैं, एनसीईआरटी में आपका एक ट्रिक दिया गया है इसको याद करने के लिए, माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो देखिए इसमें आपका एम हो गया मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ट्रिक्स हैं, हम लोग हम आपको आगे भी ट्रिक्स बना कर देंगे इसको कैसे याद करना है। देखिए, ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखिए जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने डिफिनिट पाथ पर, फिक्स्ड पाथ पर सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर ऑर्बिट्स होते क्या हैं, प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो ये एक तरह के फिक्स्ड पाथ होते हैं जिस पर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। देखिए मरकरी जो है वो सन के सबसे नजदीक प्लेनेट है, और इसे करीब 88 दिन, सिर्फ 88 days लगते हैं सन के चारों ओर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने में। वेनस जो है उसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि इसका जो साइज है और शेप है ये अर्थ से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए या फिर आपको जान लेना चाहिए वो ये है कि 2006 तक, अगस्त 2006 तक प्लूटो जो था वो भी एक प्लेनेट समझा जाता था, लेकिन जब एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है उसके उसके हिसाब उसी की तरह एक ड्वार्फ प्लेनेट है, यानी उसे रियल में प्लेनेट नहीं समझा जा सकता है, इसलिए उसे प्लेनेट की लिस्ट से हटा दिया गया। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये अब उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं रह गया क्योंकि ये बहुत ही पहले ये हट चुका है, करीब 10 साल हो चुके हैं इसे हटे हुए। इसके बाद अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। तो देखिए अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन से, और इसके साइज की अगर हम बात करें तो साइज के अनुसार ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, यानी इससे बड़े 4 planets हैं, और पोल्स पर एक तरह का फ्लैट, हल्का सा फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है यानी कि सेम जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है जियोइड। जियोइड इसके स्ट्रक्चर को कहा जाता है, और इस जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। तो इस वर्ड का मीनिंग ही यही हो गया कि अर्थ लाइक शेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कोई डिफिनिट ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अनुसार आप इसको तुलना कर सके, इसकी अपनी एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जियोइड। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो देखिए प्रोबेबली यहां पर कहा गया, इसका मतलब यह है कि देखिए हो सकता है, हमें जानकारी नहीं है अर्थ पर, किसी को जानकारी नहीं है कि कहीं दूसरी जगह पर अर्थ के अलावा लाइफ है या नहीं है, इसलिए यहां पर कहा गया है कि कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, यानी जीवन को समर्थन करने के लायक जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो शायद केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। अभी तक जानकारी के अनुसार केवल पृथ्वी पर ही ये सिचुएशन है और पूरे यूनिवर्स में केवल अर्थ पर ही लाइफ है, लेकिन हो सकता है आगे हमें पता चले तो वहां पता चलेगा कि दूसरे जगहों पर भी लाइफ है। तो देखिए द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो यहां पर इसका कहने का मतलब यह है कि देखिए मरकरी जो कि सन से बहुत ही नजदीक है वो बहुत ही हॉट प्लेनेट है, क्योंकि उसके उसके पास बहुत ही ज्यादा हीट आती है सन से। वहीं जो हमारा नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, वो अर्थ सन से बहुत ही ज्यादा दूर है, इस वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडी रहती है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड सिचुएशन है वहां पर, और अर्थ के पास वाटर एयर भी मौजूद है जो कि हमारे लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल है। और जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके पास अपना एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, और उसके पास गैसेज है जैसे कि ऑक्सीजन, और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम
कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड हम बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट द्वारा बना दिया जाता है, फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सीजन में। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है ये लगातार चलते रहता है। तो इन रीजंस की वजह से अर्थ एक तरह का यूनिक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, क्योंकि उस पर लाइफ मौजूद है और हम अर्थ पर रह रहे हैं। तो आउटर स्पेस की अगर हम बात करें तो आउटर स्पेस से देखने पर अर्थ जो है वो ब्लू देखने में लगता है। उसका रीजन ये है कि हमारा जो अर्थ है उसका 2/3 जो लैंड है वो कवर्ड है वाटर से, यानी जो हमारा सी है वो पूरे अर्थ के 2/3 हिस्से को कैप्चर किए हुए, कवर किए हुए, और इसीलिए इस प्लेनेट को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे अर्थ। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि 2/3 जो है वो वाटर द्वारा कवर्ड है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, और वो है द मून। मून के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। द मून, तो देखिए द मून को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम कुछ पॉइंट साइड में दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया, डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। तो ये फिगर आपको याद रखना चाहिए, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ रहेगा 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में आपका हो गया 3 × 10^8 और किलोमीटर पर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है, लेकिन इसके बावजूद जो लाइट हमारे सन से अर्थ की ओर आती है उसको पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ अर्थ तक सन के लाइट को आने में कितना समय लगता है, तो आंसर है 8 मिनट। इसके बाद एक और फैक्ट दिया गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, और उन्होंने कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को उन्होंने कदम रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और कब रखा था, 21 जुलाई 1969। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने चांद को देखते हैं, चांद के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे प्लैनेट जो हैं उनके पास एक से ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो अर्थ है उसके पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट का नाम है द मून। तो देखिए द मून क्या है, एक तरह का सैटेलाइट है और जो कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसका जो डायमीटर है वो हमारे अर्थ के 1/4 है, यानी 1/4 है। और ये इतना बड़ा हमें देखने में लगता है, उसका रीजन ये है कि हमारे प्लैनेट से काफी ज्यादा नजदीक है दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के मुकाबले, जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स हो गए या फिर सन हो गया या फिर कोई और दूसरा सेलेस्टियल बॉडी। और ये हमारे अर्थ से करीब 384,400 किलोमीटर, 384,400 किलोमीटर दूर है। और अगर आप ये डिस्टेंस कंपेयर करें सन के मुकाबले, जहां पर हमारा सन हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर था, तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है। और इसी वजह से हमारा जो चांद है वो देखने में हमें काफी बड़ा लगता है, ये मुकाबले कि हमारा चांद साइज में काफी ज्यादा छोटा है अर्थ के मुकाबले भी। तो देखिए चांद जो है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, 27 दिनों में हमारा जो चांद है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइम है उसके एक स्पिन का, यानी अपने एक्सिस पर वो 27 दिन में ही घूमता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि चांद का केवल एक साइड हमारे पृथ्वी से विजिबल है, और जो दूसरा साइड है वो हम आज तक देख नहीं पाए और वो देख भी नहीं पाते हैं। उसका रीजन ये है कि देखिए एक ही साइड वो हमें हमेशा नजर आते रहता है, 27 दिनों में वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है और 27 दिनों में अर्थ का भी चक्कर लगाता है। तो देखिए द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, चांद पर वैसे कंडीशन नहीं है जहां पर लाइफ पनप सके, लाइफ वहां पर आ सके। चांद के पास ना ही वाटर है और ना ही एयर है, और उसके पास माउंटेन्स हैं, और इट हैज माउंटेन्स प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, दिस कार्ड शेडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज। देखिए
चांद पर आपको माउंटेन्स दिखेंगे, प्लेन्स दिखेंगे, डिप्रेशंस दिखेंगे, तो इस तरह के शेडोज जो आपको रात में चांद के ऊपर देखने को मिलते हैं उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उस शेडो को। और आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जानकारी देख लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। सैटेलाइट के बारे में बताया गया, मून क्या है, सैटेलाइट है। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी डेट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। देखिए सैटेलाइट एक तरह का सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, जिस तरह से हमारे प्लैनेट मूव करते हैं सन के अराउंड। तो एग्जामिनेशन में आपसे अगर सैटेलाइट के बारे में पूछा जाएगा तो आप सैटेलाइट में यही आंसर करेंगे। और यहाँ पर दूसरी जानकारी वो है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। जो हमारा जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, जैसा कि यहाँ इमेज में दिखाया गया है इस तरह के सैटेलाइट, और इस तरह से हम लॉन्च करते हैं, ये एक तरह के आर्टिफिशियल बॉडी होते हैं। इसको डिजाइन किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा ताकि हम हमारे यूनिवर्स या फिर यूनिवर्स के बारे में जानकारी जुटा सकें या फिर हम कम्युनिकेशन कर सकें। इसको भेजा जाता है रॉकेट की मदद से और ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है पृथ्वी के चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया इंडियन सेटेलाइट्स का, जैसे कि इनसेट, एडोसेट, IRS और भी बहुत तरह के सेटेलाइट्स हैं। तो यहाँ पर हम सेटेलाइट्स को देख लिया, अब हम एस्ट्रॉइड्स को देखते हैं। एस्ट्रॉइड्स, देखिए हमने स्टार्स की बात की, प्लैनेट्स की बात की, सैटेलाइट्स की बात की, उसके अलावा भी बहुत ही छोटे छोटे बॉडीज होते हैं, टाइनी रॉक बॉडीज होते हैं जो कि सन के चारों ओर मूव करते हैं, और इन रॉक बॉडीज को कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स। तो ये देखिए ये जनरली पाए जाते हैं हमारे जो मार्स है हमारा और जुपिटर, इनके बीच में एक ऑर्बिट है, स्पेसिफिक ऑर्बिट, उस ऑर्बिट पर ही ये मूव करते हैं और वहीं पर आप इन्हें देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं वहाँ, वहीं पर ये मिलते हैं। और ये एक पार्ट है प्लैनेट्स के जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लोर कर चुका है। तो मेट्रोइड्स को और इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो चुका है और इतना लंबा वीडियो आप भी नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लासिक चैप्टर नंबर 1 नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें कि आप इस चैप्टर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। या फिर आपको नीचे सजेस्टेड सेक्शन में भी आपको हमारा नेक्स्ट पार्ट 3 देखने को मिल जाएगा और पार्ट 1 भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।